हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मेरे पास आया हुआ है सीबी यूनिकॉर्न 150 सीसी का। ये करंट का समस्या है तो, और स्टार्ट नहीं ले रहा है तो, मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। अभी सभी पार्ट एक एक करके चेक करके दिखाता हूँ। और इसका स्टार्ट नहीं लेता है तो क्या क्या चेक करना है, और वायरिंग का डिटेल्स भी मैं बताने जा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए। और आप नया है तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों। आइए, मैग्नेट से आया हुआ जो वायर है, कौन सा वाला कौन सा वायर, अभी देखिए। इसका मैग्नेट से जो वायर आता है, इसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं रहता है, पिकअप कॉइल और लाइट कॉइल रहता है। आपको देखा इधर है, ये जो व्हाइट कलर ये लाइट का वायर है, उसके बाद ये दोनों ग्रीन कलर ये बॉडी आर्ट का है, और ये जो सिंगल एक वायर है ये वाला पिकअप कॉइल का वायर है, और उसका बाजू में है ये जो न्यूट्रल लाइट का वायर है, आपको दिखाई दे रहा हूँ। अभी मेरे को पिकअप कॉइल पहले चेक करना है, उसके बाद मेरे को लाइट कॉइल चेक करना है, ये वाला सही है तो, उसके बाद सीडीए को चेक करना है। और आपको पहले ये चेक करने से पहले इसका जो कारण नहीं आता है तो आपको क्या चेक करना है, देखिए ये रिले है, रिले में जो फ्यूज़ लगा रहता है इसको चेक करना चाहिए, ये वाला सही है तो। इधर और एक फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ को भी चेक कर लेना चाहिए, ये दोनों सही है तो। उसके बाद भी आपका कारण नहीं आ रहा है तो क्या, जो मैं बताने जा रहा हूँ उस तरह से चेक कीजिए, उसके बाद आपका समस्या सॉल्व होगा दोस्तों। आइए पहले मैग्नेट से आया हुआ जो वायर है उसको चेक करता हूँ। आइए, मैंने मल्टीमीटर के ज़रिए से जो कॉइल है उसको चेक करने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यू वे सेट किया। अभी जो पिकअप कॉइल है उसको पहले चेक करना है, वो ख़राब है तो करंट नहीं आएगा दोस्तों। पिकअप कॉइल अभी इधर पॉजिटिव वाला वायर डाला, और उसके बाद इधर जो नेगेटिव वायर है ग्रीन कलर का, उस ग्रीन कलर में एक डालना है 125/26। उसका मतलब जो नीचे से आ रहा है करंट वो सही है पिकअप कॉइल का। अभी लाइट कॉइल को भी चेक करना चाहिए, और ये वाला जो पिकअप कॉइल के ज़रिए से सिर्फ स्टार्ट नहीं लेता है, लाइट कॉइल को भी सही रहना चाहिए। देखो, उसके बाद अभी मेरा मल्टीमीटर कंटिन्यू वे ही सेट है, इधर जो लाइट कॉइल है वो सही है तो इधर बीप आना चाहिए, सुनाई दे रहा है आपको दोस्तों। ये हमारे नीचे से जो वायर आया हुआ है वो ठीक है। उसके बाद देखिए, सीडीआई से जो एक सिंगल वायर है ये आरपीएम का है, जो इधर पिकअप दबने से इंजन आरपीएम शो करता है, उसके लिए वो सिंगल वायर है, ये सिंगल वायर उसके काम करता है। और ये जो वायर है येलो और ब्लू, ये आ रहा है कार्बोरेटर के साइड में जो सेंसर लगा रहता है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इसका जो मिडिल में जो वायर है येलो और ब्लू, ये सीडीए में जा रहा है। देखिए देखिए, ये जो वायर है इस वायर, और ये जो येलो के साथ लाल वाला वायर है, ये देखिए इधर जो सेल्फ रिले है, रिले से जा रहा है, देखिए ये वाला रिले से। और एक पिकअप कॉइल का वायर आया हुआ है, और इस और एक ये जो रेड और ब्लैक ये वाला इग्निशन स्विच आ रहा है, चाबी ऑन करने से इधर करंट आता है। अभी इधर करंट को किस तरह से चेक करना है वो भी दिखाता हूँ। और ये वाला पिकअप कॉइल से आ रहा है, और इसके साथ ब्लैक और येलो वाला जो वायर है ये वाला आउटपुट, ये आउटपुट यह ओके इधर जो एसटी रहता है
एसटी में जा रहा है, देखिए एसटी में मेरे को चेक करना है रेड और ब्लैक, इधर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना है। अभी इसको चेक कर रहा हूँ। अभी जो रेड और ब्लैक वायर है उसमें एक वायर डल के चेक करना है, इधर करंट आ रहा है तो जो इधर सेल्फ रिले का अंदर जो फ्यूज रहता है वो ज़रूर काट जाएगा। दोस्तों मैंने वायर के ज़रिए से चेक करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप मल्टीमीटर के ज़रिए से भी इधर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो वोल्ट भी नाप सकते हैं। इसलिए इधर 20 में डालना है, डाल के एक और इधर डाल रहा हूँ और एक बॉडी में, देखिए उधर वोल्ट तरह से आ रहा है। आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप इधर वायर डाल के बॉडी में टच करने से इधर करंट आता है, तो आपको इधर करंट आ रहा है। उसके बाद जो आउटपुट है इसका जो ब्लैक और येलो है आउटपुट, इस आउटपुट वायर को भी चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो अंदर से काटा हुआ तो उधर एसटी में करंट नहीं जाता है, उस टाइम आपका स्टार्ट नहीं लेगा, इसलिए आउटपुट भी चेक कर लेना चाहिए। आउटपुट चेक करने के लिए पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे चेक करना है, ये वायर आपका सही है कि नहीं है। इधर एक वायर डाला, उसके बाद जो एसटी में जो वायर आ रहा है उसमें डाल रहा हूँ, ये वायर सही है तो बीप आएगा, देखिए ये वायर भी सही है, बीप आ रहा है, सुनाई दे रहा है। सीडीआई से एसटी तक जो वायर चेक किया वो सही है। अभी मेरे को चेक करना है इधर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। इधर एक वायर डाल के बॉडी में टच करने से सीधा करंट आता है तो मेरा सीडीआई सही है, करंट नहीं आता है तो मेरा सीडीआई ख़राब है। दोस्तों इस तरह से एक एक पार्ट चेक कीजिए। इस वायर में करंट आने के बावजूद भी एसटी कॉइल से प्लग होल्डर तक करंट नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको समझ लेना चाहिए इस बाइक का जो एसटी कॉइल है वो ख़राब है। और बैटरी कैसे नापता है वो भी तो मालूम है। और ये जो इसका सीडीआई का पार्ट नंबर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सीडीआई का पार्ट नंबर है दोस्तों। अभी उसके बाद और ये वाला ए न्यूट्रल में है, उसके बाद बावजूद भी क्लच दबा के स्टार्ट करना है तो आपका ये जो पार्ट है ये इस पार्ट खराब हो चुका है, इसलिए क्लच दबाने के बाद स्टार्ट लेता है। दोस्तों मैंने जो जानकारी आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ वो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। और आपको बैटरी नापना है तो कैसे नापना है वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अभी बैटरी को नापना है तो 20 में सेट करना है। उसके बाद मैंने इधर ही मल्टीमीटर को रख छोड़ा, अभी ये नेगेटिव में डालना है और ये वाला पॉजिटिव में। अभी इधर दिखा रहा हूँ, देखिए बैटरी, और अभी बैटरी चार्ज नहीं हो रहा तो अभी बैटरी ख़राब है तो इधर 12 के नीचे आएगा, नहीं तो 15 को बज जाएगा, देखिए अभी देखिए इधर किधर कितना रीडिंग आ रहा है, इधर 14.5 तक ठीक है, नहीं तो 15 आएगा तो आपका जो आरआर यूनिट है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए ये वाला मेरा सही है। देखिए दोस्तों मैंने जो जानकारी बताया वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल बटन को जरूर दबाइए। दोस्तों मैंने एक एक पार्ट आपको समझने की कोशिश की दोस्तों, आज इतने बस, ओके बाय।